नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा से पहले ही सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है। भिंडर में दिवंगत गजेंद्र सिंह शक्तावत के नाम से खुलने वाले कन्या महाविद्यालय की जमीन आवंटन के मुद्दे पर जनता सेना और कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। भिंडर से सटे वीरवालियों का खेड़ा से बदलकर हिता ग्राम पंचायत में महाविद्यालय के लिए जगह चिन्हित की गई है। स्थान परिवर्तन पर जनता सेना भी इसे राजनीतिक संघर्ष का नया केंद्र बनाकर विरोध में अब पीछे नहीं है। वीरवालियों का खेड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों और नगर पालिका चेयरमैन निर्मला भोजावत के साथ रणधीर सिंह भिंडर ने मंगलवार को ADM से मुलाकात की। रणधीर सिंह ने कहा कि CM की घोषणा के बाद भिंडर से सटे 50 गांवों की बालिकाओं को देखते हुए यह जगह चिन्हित की गई, मगर कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए स्थान परिवर्तन करवाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए क्षेत्र का विकास नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने भिंडर नगर पालिका क्षेत्र के लिए घोषित कन्या महाविद्यालय का भवन कानोड तहसील की हिता ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवंटित करवाया है। ADM OP सैनी को लिखे चेतावनी पत्र देते हुए भिंडर ने कहा कि नगर पालिका भिंडर ने जिस जमीन का प्रस्ताव दिया वही बेहतर है। भिंडर ने चेतावनी भी दी है कि यदि कॉलेज के लिए हिंता में जमीन आवंटित हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति झाला का कहना है कि स्थानीय प्रशासन के सुझाव पर क्षेत्र के विकास और बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। जब सरकार ने हिंता में जमीन आवंटित की है तो यही सही है, इस पर जानबूझकर राजनीति की जा रही है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।